हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पोर्चुगीज़ की काउंटिंग सीखते हैं। ये बुक जो है अजंता पोर्चुगीज़ इन 2 मंथ्स, इस बुक से हम पुर्तगाली की काउंटिंग सीखेंगे, नंबर सीखते हैं। तो अगर ये बुक आपके पास नहीं है और आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसे आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस बुक को अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं पुर्तगाली की काउंटिंग। आज हम कार्डिनल नंबर सीखेंगे, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर्स को क्या कहते हैं? ऊस, नुमेरूस, कार्जिनाइस। ऊस, नुमेरूस, कार्जिनाइस। तो सबसे पहले हम गिनती शुरू करते हैं। पहला है जेरू, जेरू। ऊ, उमा, ऊ, उमा। तो 1 को दोनों ठीक है। अब इसका कैसे यूज है ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। दोइस, दुआस, दोइस, दुआस। त्रेस, कुआत्रू, कुआत्रू। ओ लास्ट में क्या साउंड देता है? ऊ की साउंड देता है, ऊ। सिंकू, सिंकू। सेइस, ई आई को कैसे बोलना है? आई। सेइस, सेइस। सेची, सेची। तो इसकी एक और साउंड भी है, सेती। पुर्तगाल में इसको सेती कहेंगे, ठीक है। पुर्तगाल में थोड़ा स्लाइटली सा उच्चारण फर्क है, तो इसको हम सेती कहेंगे पुर्तगाल में, ठीक है। सो ये सेची जो है ये ब्राजील में है, सेची। ओके। ओइतू, ओइतू। नोवी, नोवी। दस, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लें, यहाँ स साउंड है इसकी, स यहाँ पर 10 में, ठीक है। दस, दस। नेक्स्ट आगे देखें, 11 को क्या कहेंगे? उनजी, उनजी। दोजी, दोजी। त्रेजी। देन 14 को कहेंगे कातोरजी, कातोरजी। ये भी ठीक है, कुआतोरजी। ये भी ठीक है, कुआतोरजी। देन 15 को क्या कहेंगे? किन्जी, किन्जी। किन्जी में हमने क्यू यू को क ही बोलना है, ठीक है, किन्जी, किन्जी। ओके। ये 15 को क्या कहेंगे? किन्जी। ओके। 16 को, 16 को क्या कहेंगे? देजे सेइस, देजे सेइस, देजे सेइस। ई आई को ए ही कहेंगे, देजे सेइस, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए 17 को, देजी सेची, देजी सेची, देजी सेची। ओके। एक और साउंड है डी ई की, जो हम ऊपर दे कह रहे हैं, इसको हम जी भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दे या जी दोनों ठीक हैं। जी जोइतू, जी जोइतू, ठीक है, जी जोइतू। सो जी भी ठीक है और दे भी ठीक है। तो देजे नोवी, देजे नोवी, ठीक है। और 20 को क्या कहेंगे? विंची, 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 ठीक है। 20 को कैसे बोलेंगे? विंची। ओके। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो ऊपर के कुछ नंबर्स थे, जैसे ये 16, 17 और 19, जो 3 नंबर्स थे, पुर्तगाल में उसका थोड़ा डिफरेंट उच्चारण है। जैसे ये देखें, पुर्तगाल में इसको ऐसे कहेंगे, देजा सेइस, देजा सेइस, देजा सेती, देजा नोवी, ठीक है। स्लाइटली सा पुर्तगाल में इसका उच्चारण डिफरेंट है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब ऊ, उम और उमा का जो डिफरेंस है, इनका जो मीनिंग है वो क्या है? 1 भी कह सकते हैं इसको और अ भी कह सकते हैं। अ जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, तो उम कहाँ यूज़ होता है? मैस्कुलिन वर्ड्स के आगे, ठीक है, जो पुलिंग है। और उमा कहाँ यूज़ होता है? जो नाउन्स फेमिनिन होते हैं, जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं, ठीक है। जैसे अब देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ऊ, ओमे। तो ओमे एक मैन, एक आदमी है। आदमी मीन्स ये मैस्कुलिन नाउन है, पुलिंग संज्ञा है, पुलिंग। तो पुलिंग संज्ञा के आगे हम ऊ लगाएंगे, ठीक है। मैस्कुलिन नाउन के आगे विल पुट अ ऊ। और फेमिनिन नाउन के आगे वुमेन है, मुलियर, तो उसके आगे हम उमा लगाएंगे, ठीक है। उमे, उमा,
मुलियर, ठीक है। इंग्लिश में हम ऐसा नहीं देखते, हम वन ही लगाते, वन मैन वन वुमेन या अ मैन अ वुमेन। इंग्लिश में हम जेंडर नहीं देखते जब हम अ लगाते हैं या वन लगाते हैं, बट यहाँ पर पोर्चुगीज़ में हमें जेंडर जानना ज़रूरी होता है। हमें पता होना चाहिए ये जो हम वर्ड, ये जो नाउन है, संज्ञा है, ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो मैस्कुलिन के लिए क्या लगेगा ऊ, और फेमिनिन के लिए क्या लगेगा उमा, ठीक है। और ये नंबर की अब दो फॉर्म्स हो सकती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जैसे टू की है, दोइस भी कहते हैं, दुआस भी कहते हैं। तो दोइस किसके साथ लगेगी, मैस्कुलिन के साथ, मैस्कुलिन वाली फॉर्म के साथ लगेगी। दोइस ओमेन्स, दोइस ओमेन्स, टू मैन दो आदमी, ठीक है। दुआस मुलियरेस, दुआस मुलियरिस, टू वुमेन, दुआस मुलियरिस, दो औरतें, टू वुमेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में आ जाए। अब हम 21 से 99 की जो गिनती है उसके लिए हम साथ में ई भी ऐड कर देते बीच में, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है एंड। तो 21 को हम कैसे लिखेंगे, 20 and 1, ऐसे विंची ई ऊ। सो अगर आपको गिनती आती है 1 से 10 तक तो आप इसको इजीली आगे बना सकते हैं, ठीक है। 21 सीखते हैं, विंची ई ऊ, विंची ई ऊ। आगे देखते हैं 22 को, विंची ई दोइस, विंची ई त्रेस, विंची ई क्वात्रु, विंची ई सिंकु, विंची ई सेइस, विंची ई सेची, विंची ई ओइतु, विंची ई नोवी। हाँ, 30 को क्या कहेंगे, त्रिंता, त्रिंता। तो 31 कैसे करेंगे, 30 and 1, ठीक है। 31 कैसे बनाएंगे पुर्तगाली में, पहले हम 30 लिखेंगे एंड 1, त्रिंता ई ऊ, त्रिंता ई ऊ। 32 को, त्रिंता ई दोइस, त्रिंता ई त्रेस, ठीक है। इसी तरह आप आगे भी बना सकते हैं, 34, 35 बना सकते हैं, ठीक है। 40 देखिए कैसे करते हैं, क्वारेंता, क्वारेंता। 41 को, क्वारेंता ई ऊ, ठीक है, क्वारेंता ई ऊ, क्वारेंता ई दोइस, क्वारेंता ई त्रेस, ठीक है। अगर आपको 1 to 10 अच्छी तरह आता है आगे आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। 50 को क्या कहते हैं, सिंक्वेंता, सिंक्वेंता, सिंक्वेंता ई ऊ, सिंक्वेंता ई ऊ, सिंक्वेंता ई दोइस, सिंक्वेंता ई त्रेस, सेसेंता, सेसेंता, ठीक है। 60 को क्या कहते हैं, सेसेंता। आगे आ जाए, 61 को कैसे कहेंगे, 60 and 1, सेसेंता ई ऊ, सेसेंता ई ऊ, सेसेंता ई दोइस, सेसेंता ई त्रेस, सेतेंता। 70 को क्या कहेंगे, सेतेंता, ठीक है, सेतेंता। ये नेजल है, ए ए, हमने नेजल वाउल्स भी, नेजल साउंड्स भी आपके साथ किए हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाया, आप उसको भी सुन सकते हैं, ठीक है। ए, ये नेजल है, सेतेंता। ओके, 71 कैसे बनाएंगे, 70 and 1, सेतेंता ई ऊ, सेतेंता ई ऊ, सेतेंता ई दोइस, सेतेंता ई त्रेस। हाँ, 73 कैसे बनाएंगे, 70 and 3, 70 and 3, ठीक है। ओके, 80 को क्या कहेंगे, ओइतेंता, ओइतेंता, ठीक है। 81 को कैसे कहेंगे, 80 and 1, ओइतेंता ई ऊ, ओइतेंता ई दोइस, ओइतेंता ई त्रेस, ठीक है। 90 को क्या कहेंगे, नोवेंता, नोवेंता, ठीक है। 90 को क्या कहेंगे, नोवेंता। 91 बहुत इजी है, 90 and 1, 90 and 1 ऐसे बनेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, नोवेंता ई ऊ,
नोवेंता ई उम। ओके, 100 के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, सें भी कह देते हैं और सेंतु भी कह देते हैं, ठीक है। और आगे 101 हमने बनाना हो तो उसके लिए हम सेंतु का यूज करेंगे, ठीक है। सेंतु ई ऊँ भी ठीक है, उमा भी ठीक है, डिपेंड करता है आगे नाउन कौन सा है। हमने आपको बताया था मैस्कुलिन होगा तो ऊँ लगा दें, फेमिनिन है तो उमा लगा दें, ठीक है। 100 और 1 ऐसे 100 and 1, मतलब इसको हम लिटरली ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। 102 को कैसे कहेंगे, सेंतु ई दोइस या दुआस, सेंतु ई त्रेस, सेंतु ई दस, सेंतु ई उन्जी। 111 कैसे लिखेंगे, 100 और 11 100 and 11, ठीक है। ओके, 116 कैसे लिखेंगे, 116 सेंतु ई देजे सेइस, देजे सेइस। 120 को सेंतु ई विंची, सेंतु ई विंची। ई जो है लास्ट में ई की साउंड देता है, ठीक है, और ये जो टी है ये च की साउंड देता है। ये हम जब कॉन्सनेंट का सेक्शन करेंगे उसमें आएगा कि टी की साउंड, यहाँ पर आप देखते हैं तू आ रही है, यहाँ पे च आ रही है, तो इसके लिए हमारी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उच्चारण, उसके लिए आपको प्रोनंसिएशन चार्ट आना चाहिए कॉन्सनेंट्स का, वाउल्स का, तो आप इजीली कोई भी वर्ड पोर्चुगीज का खुद प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, 130 को क्या कहेंगे, सेंतु ई त्रिंता, सेंतु ई त्रिंता। 150 को सेंतु ई सिंक्वेंता, सिंक्वेंता, सेंतु ई सेसेंता, ठीक है। 100 and 60 को 160 को कैसे कहेंगे, सेंतु ई सेसेंता, ठीक है। 200 को कैसे लिखेंगे, दू जेंतुस, दू जेंतुस 200। अब 201 को कैसे लिखेंगे, 201 दुजेंतुस ई उम, या उमा भी ठीक है, दुजेंतुस ई उम उमा। त्रेजेंतुस, त्रेजेंतुस, ठीक है। 300 को क्या लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, त्रेजेंतुस। ओके, तो सिर्फ 200 में जेंतुस आ रहा है और 300 में भी जेंतुस आ रहा है, बाद में फिर सेंतुस चलेगा, ठीक है। 400 में क्वात, देखिए 400 को क्या कहेंगे, क्वात्रो सेंतुस भी ठीक है, क्वात्रु सेंतुस भी ठीक है, ठीक है। क्वात्रु, वो वैसे लास्ट में ऊ की साउंड देते हैं तो ज़्यादा ये बेटर है, क्वात्रु सेंतुस, ठीक है, क्वात्रु सेंतुस। किनिएंतुस, किनिएंतुस, क्यू यू को कई बोलना है हमने पोर्चुगीज में, ठीक है। किनिएंतुस, किनिएंतुस। सेई सेंतुस, सेई सेंतुस, 600 को क्या कहेंगे, सेई सेंतुस। तो कैसे बनाया हमने इसको, लिखा है 6 और साथ में 100 लिख दिया, सेई और साथ में 100 लिख दिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग चेंज हुआ है, 500 में हुआ है, 400 सेम रहा, क्वात्रो सेंतुस, ठीक है। 300 में भी स्पेलिंग चेंज हुए हैं, त्रेजेंतुस। 200 में भी हुए हैं स्पेलिंग चेंज, ठीक है। 700 में सेम है, सेची सेंतुस, आपने 7 किया है सेची और आगे 100 लगा लें सेंतुस, ठीक है। तो कुछ की स्पेलिंग आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो चेंज हुए हैं। 200 हुआ है, देन 300 का हुआ बिकॉज यहाँ पे सेंतुस नहीं आया, त्रेजेंतुस, ठीक है। फिर 500 का भी हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा, आपको इसको लिख लिख के याद कर सकते हैं, कोई भी न्यू लैंग्वेज है उसको आप लिख लिख के याद करें, ठीक है। ओके, देन 1000 को क्या कहते हैं, म्यू। एल को लास्ट में क्या कहेंगे, ऊ। एल को लास्ट में क्या प्रोनाउंस करते हैं, ऊ, म्यू, ठीक है। ओके, 1100 कैसे लिखेंगे, म्यू ई सेम, म्यू ई सेम, ठीक है। 100 and 100, ये 1000 and 100 कैसे हो गया, म्यू 1000 हो गया एंड 100 1100 हो गए, ठीक है। ओके, 1120 कैसे करेंगे, पहले 1000 लिखेंगे हम म्यू, फिर 100 लिखेंगे सेंतु, फिर ई विंची, ठीक है, इस तरह बनेगा 1120, ठीक है। इसको आप हिस्सों में डिवाइड करके बोलें, ठीक है। 1200 कैसे कहेंगे, म्यू
ई दुजेंतुस, ठीक है, म्यू ई दुजेंतुस, ओके, 1235, 1235, तो 1000 को म्यू, 200 को दुजेंतुस, ई, एंड अब आप जोड़ रहे हैं साथ में, तो 35 जोड़ दें, त्रिंता ई सिंकु, ठीक है, त्रिंता ई सिंकु, ठीक है, 1300 को म्यू ई त्रेजेंतुस, म्यू ई त्रेजेंतुस, ठीक है। तो जब भी हमने 1100 बना रहे हैं, 1100, 1200, म्यू के साथ हम ई ऐड कर रहे हैं, 1200 में भी म्यू ई, 1300 में भी म्यू ई, 1000 एंड 300, 1000 एंड 300, ठीक है, 1000 एंड 200, 1000 एंड 100, ठीक है। बट उसके बाद जैसे अब 1120 आ गया, फिर ऐसे चलेगा 1000 और उसके बाद 120, सेंतु ई विंची, ठीक है, ओके। 2000 को क्या कहेंगे, दोइस म्यू, दोइस म्यू, 2005 को पहले आप 2000 लिखें, दोइस म्यू, फिर आप ऐड कर रहे हैं इसमें ई सिंको, एडिशन कर रहे हैं तो फिर ई लगाएंगे, ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं तो ई लगाएंगे, ठीक है। सो 2005 कैसे कहेंगे, दोइस म्यू ई सिंको, ओके। 10000 देखें, यहाँ पे भी ज की जगह स कर दें, दस म्यू, स स साउंड है इसकी, दस म्यू, 10000। 15000 को किन्जी म्यू, 100000 को सेम म्यू, सेम यू, उन मिलियाउन, ठीक है। 100000 कितना हो गया, 1,00,000, हाँ 1,00,000, 1,00,000 को हम क्या कहेंगे, 100000 सेम म्यू, सेम म्यू, ठीक है। 10,00,000 को मिलियन कहते हैं, आ उन मिलियाउन, उन मिलियाउन, ठीक है, ये हो गया हमारा 10,00,000 हो गया, ठीक है। और 2,00,000 को क्या कहेंगे, दोइस, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, मिलियंस, मिलियंस, दोइस मिलियंस, ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, सिंगलर में मिलियाउं, प्लूरल में मिलियंस, ठीक है, ओके। हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे रीड करते हैं, से का यूजेज कैसे था, 100 के लिए हम से यूज़ करते हैं, 101, हाँ ये हमने आपको बताया था, 101 हो जाए तो सेंतु कहना आपने, सेंतु ई उम, सेंतु ई उम, ठीक है। और 138 कैसे कहेंगे, पहले 100 लिख लें सेंतु, फिर ऐड करने के लिए ई लगा दें, सेंतु ई त्रिंता ई ओइतु, ठीक है, सेंतु ई त्रिंता ई ओइतु, 100, फिर एंड 30 and 8, 38, ठीक है, ये ऊपर आया भी था, देख लेते हैं ऊपर से, पीछे हमने जब किया था, हाँ जब हम 100 के साथ ऐड कर रहे हैं, 130 है, सिंतु के साथ हम ई लगाएंगे, ठीक है, यहाँ ऊपर से शुरू जब हमने किया था 101, जब भी हमने 100 के बाद ऐड करना है कुछ तो ई लगेगा साथ में, ठीक है, 101 में 100 के बाद आपने एक ऐड करना है तो सिंतु ई उम, 100 के बाद दो ऐड करने हैं सेंतु ई, तो ई लगेगा साथ में, ठीक है, ओके। तो अब हम 200-300 की फॉर्म्स देखते हैं, तो ये जो फॉर्म्स है 200-300-400, ये क्या है, फेमिनिन में भी फॉर्म्स मिलती हैं इनकी, मैस्कुलिन में भी हैं दोनों, ऐसे देखें, दुजेंतुस भी ठीक है, दुजेंतस भी ठीक है, ये डिपेंड करता है आगे नाउन कौन सा है, ठीक है। 300 को त्रेजेंतुस, त्रेजेंतस, क्वात्रो सेंतुस, क्वात्रो सेंतस, ठीक है, क्वात्रो भी ठीक है, क्वात्रु भी ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हम सेंटेंस आगे देखते हैं कैसे यूज़ किया हुआ है, 200 मैन हमने कहना हो तो कैसे कहेंगे, आगे मैन प्लूरल, आगे मैस्कुलिन प्लूरल है तो फिर हम दुजेंतुस लगाएंगे, ठीक है, दुजेंतुस ओमेन्स, दुजेंतुस ओमेन्स, अगर वुमेन ये फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है और ये प्लूरल भी है तो बस दुजेंतास लगाएंगे, ठीक है, दुजेंतास मुलियेरेस,
दुजेंटस मुलियरीस, ई ई की साउंड ई है लास्ट में, मुलियरीस, दुजेंटस मुलियरीस, ठीक है। सो इंग्लिश में ये चेंज नहीं होता, इंग्लिश में 200 जहाँ मर्जी आप लगा सकते हैं, मैन के साथ जब वुमेन 200 ही रहेगा, इट रिमेन्स द सेम, वहाँ नहीं बदलता। यहाँ हमने क्या देखना है, अगर आगे संज्ञा मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन भी है और पुलिंग और इसके साथ वो भी है, प्लूरल भी है, ठीक है, दोनों है, मैस्कुलिन प्लूरल है, ये फेमिनिन प्लूरल है, ठीक है। तो इसके हमने अकॉर्डिंग टू द नाउन लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी दोनों फॉर्म्स है, 200 की भी, 300, 400, ये सब की दो दो फॉर्म्स हैं, मैस्कुलिन भी है, मैस्कुलिन में तोस लग जाएगा, फेमिनिन में तास लग जाएगा, ठीक है। ओके, देन हम पॉइंट देखते हैं। इंग्लिश में हम पॉइंट का यूज़ करते हैं जहाँ पर, तो पुर्तगाली में वहाँ पर कॉमे का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 2.36 जो है वो पुर्तगाली में 2.36 की तरह लिखा जाएगा, ठीक है। और जहाँ हम कॉमा लगाते हैं वहाँ पुर्तगाली में पॉइंट लगता है, ठीक है, पोर्चुगीज वो पॉइंट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर 3850 अगर लिखा हुआ है, 3.850, तो वो कैसे लिखेंगे, 3.850, ठीक है। मतलब इंग्लिश में जहाँ पॉइंट यूज़ होता है वो कॉमा लगाते हैं, और जो इंग्लिश में कॉमा यूज़ होता है तो वो पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये हमने अभी आपके साथ कार्डिनल नंबर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, कार्डिनल नंबर्स जैसे 1, 2, 3 इस तरह के। हम आगे भी हम आपके साथ ऑर्डिनल नंबर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन नंबर्स को आप अच्छे से याद करें, इनको आप लिख सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कोई भी प्रोनंसिएशन देखनी हो तो मैंने आपको बताया था, आप एक डिक्शनरी है वहाँ पे जाके इसका प्रोनंसिएशन किसी का भी वर्ड का आप चेक कर सकते हैं। जैसे कोई आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे, जैसे सेंतु है, हमने देखना है कि ये प्रोनंसिएशन ठीक है, तो हम आपको, मैंने आपको उस डिक्शनरी बताई थी विकिशनरी, वहाँ पे जाके आप इसका प्रोनंसिएशन चेक भी कर सकते हैं कि ये जो साउंड है ठीक है। ये डिक्शनरी बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है, इसको आप प्रोनंसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये डिक्शनरी है विक्शनरी, विक्शनरी.org, ठीक है। तो इसमें आप वर्ड लिख लीजिए, जैसे हमारा सेंतु वर्ड है, CENTO, ये हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका उच्चारण हमने पुर्तगाली में देखना है इसका, ठीक है। तो पुर्तगाली में आप प्रोनंसिएशन पर क्लिक कर दें तो आपको ये वर्ड यहाँ पे ना IPA इसका फनेटिक्स दिख जाएगा, से ई के ऊपर ये टिल डला हुआ है इसकी, ए, ये फनेटिक्स वो होते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको इसी की मान्यता प्राप्त है, मतलब ई के ऊपर जो टिल लगा है, कोई फॉरनर इसको पढ़ेगा तो ए पढ़ेगा, ठीक है, ये फनेटिक्स है इसकी जो साउंड है, ठीक है। सेंतु, सेंतु, ठीक है, हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस समय इसका ऑडियो नहीं है, वर्ड्स, कुछ वर्ड्स में ऑडियो भी होता है, तो आप इसको एज अ ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिक्शनरी बहुत ही अच्छी है, आपको हेल्पफुल होगी आपकी प्रोनंसिएशन ठीक करने के लिए, ठीक है। ओके, सो हम आगे मिलते हैं, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो।